नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और आयुर्वेदिक औषधि की जानकारी लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कटेरी के कुछ फायदे और नुकसानों के बारे में। अब दोस्तों, कटेरी जो कि एक आयुर्वेदिक औषधि है और बहुत ही फेमस औषधि है दोस्तों, बहुत सारे रोगों के निदान में इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ये जो औषधि है, जड़ी बूटी है, ये क्या है, सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं। दोस्तों, कटेरी एक औषधि है, जड़ी बूटी है। कटेरी को कंटकारी या भटकटैया, इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों सेलेनम सेंथोकार्पम, और इसका अंग्रेजी नाम है येलो बेरिड नाइट शेड, इन नामों से इसे जाना जाता है। दोस्तों, कटेरी एक प्रकार की खपतवार है जिसे शायद ही कोई जानता ना हो, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता कि लोग इसे कटेरी के नाम से ना जानते हों, क्योंकि अलग अलग जगह पर इसे कई नामों से जाना जाता है। कटेरी खपतवार होने के बाद भी अपने औषधीय गुणों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। कटेरी के फायदे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक होते हैं। कटेरी को विभिन्न जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर इसका उपयोग किया जाता है। कटेरी के फायदे अस्थमा, पाचन विकार, बवासीर, कान की सूजन, पेशाब के दौरान होने वाले दर्द और संक्रमण के साथ ही यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी इसका उपयोग देखा जाता है। तो दोस्तों, ये तो था इसका छोटा सा एक परिचय। अब बताते हैं आपको सबसे पहले इसके कुछ फायदों के बारे में, और उसके बाद आपको बताएंगे इससे होने वाले कुछ नुकसानों के बारे में। दोस्तों, खांसी का घरेलू उपचार करने के लिए कटेरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप कटेरी के पूरे पौधे या पंचांग की 3 से 5 ग्राम मात्रा लें और इसे 200 मिलीग्राम पानी में उबालें। उबलते हुए पानी की मात्रा लगभग 50 मिलीग्राम बचे तब तक इसे उबालते रहें। इसके बाद इस काढ़े को ठंडा करें और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। यह खांसी दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपके लिए हो सकता है। बात करते हैं इसके अगले फायदे की दोस्तों। तो मिर्गी भी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या होती है, लेकिन कटेरी के फायदे मिर्गी का इलाज करने में प्रभावी होते हैं। जी हाँ, इसके लिए आप ताज़ा भटकटैया के पत्तों का रस निकालें। इस रस में 2 बूंद मात्रा को नियमित रूप से सुबह के समय अपने नथुनों में डालें। ऐसा करने से रोगी को मिर्गी के दौरे आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। दोस्तों, यह बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। जी हाँ, यदि आपके बाल झड़ने की परेशानी है तो भटकटैया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह बालों को झड़ने और बालों में डैंड्रफ होने जैसी समस्याओं को प्रभावी रूप से दूर करता है। इसके अलावा यह दांत दर्द को दूर करने में भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। दांत का दर्द भी एक गंभीर समस्या है दोस्तों, लेकिन आयुर्वेद में दांत के दर्द को दूर करने के लिए भटकटैया का उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। यदि आप भी दांत के दर्द से परेशान हैं तो भटकटैया के पत्तों का रस का उपयोग करें। कटेरी की ताज़ा पत्तियों को मसलकर इसका रस निकालें और फिर इस रस को दर्द प्रभावित दांतों पर लगाएं। यह आपको दांतों से तुरंत ही राहत दिलाने में काफ़ी सक्षम माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ लाजवाब फायदे, लेकिन आधी अधूरी जानकारी, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, कि खतरनाक हो सकती है, इसलिए इसके नुकसानों को भी अब आप जान लीजिए कि ये किन किन सूरतों में नुकसानदायक हो सकती है। दोस्तों, पित्त विकारों वाले रोगी को इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। गर्म तासीर होने के कारण यह उन लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। आमतौर पर यह गर्भाशय के दौरान सुरक्षित माना जाता है, लेकिन फिर भी उपयोग करने से पहले अपने स्वास्थ्य सलाहकार से सलाह ले लेना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे कि गर्भावस्था जैसी कंडीशन में आप इसका सेवन किसी भी रूप में बिल्कुल ना करें। यदि आप किसी विशेष प्रकार की दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो कटेरी का सेवन करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, या फिर इस कंडीशन में भी इसका किसी भी प्रकार से सेवन ना करें। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ तरीके कि किन किन सूरतों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए हानिकारक या फिर नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यही थी कटेरी जो कि एक आयुर्वेदिक औषधि है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, इसका परिचय और इसके फायदे और कुछ नुकसान। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की जानकारी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।